समिति का उपस्थित कमरेडहरु हामी आज आठौं राष्ट्रीय महाधिवेशन को यो तेस्रो पूर्ण बैठक में उपस्थित छौ। म अहिले सुरुमा कुनै लामो भूमिका नबाँधिकन सिधै म एजेंडा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एजेंडा यो केन्द्रीय समिति को बैठक का एजेंडा निम्न अनुसार छन्। एक नंबर में महान शहीदहरुप्रति श्रद्धांजलि, दुई नंबर में केन्द्रीय समिति का नया सदस्य को शपथ ग्रहण, तीन नंबर में बैठक संचालन प्रक्रिया बारे अध्यक्ष जानकारी, बैठक संचालन प्रक्रिया बारे अध्यक्ष जानकारी, चार नंबर में प्रदेश तरफ बा संक्षिप्त रिपोर्टिंग प्रत्येक प्रदेश का अध्यक्ष मधेश प्रदेश को हक में तैं का इंचार्ज कमरेडले दस मिनट भित्र प्रदेश को स्थिति बारे रिपोर्ट राख्हुने, पांच नंबर में अध्यक्ष वर्तमान परिस्थिति बारे रिपोर्ट तो प्रस्तुत होने, छ नंबर में संगठनात्मक विषय, छ नंबर में संगठनात्मक विषय, संगठनात्मक विषय को क में पोलिट ब्यूरो, स्टैंडिंग कमिटी र पदाधिकारी चयन बारे, ख में कार्य विभाजन र संरचना बारे, सात नंबर में स्थानीय निर्वाचन को समीक्षा, सात नंबर में स्थानीय निर्वाचन को समीक्षा, आठ नंबर में आगामी प्रदेश र संघ को निर्वाचन को तैयारी बारे, नौ नंबर में विविध भनेर केन्द्रीय समिति को यो बैठक को लागी प्रस्ताव कार्यसूची प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा कोही कमरेडलाई थप्नु पर्ने घटाउनु पर्ने केही लाग्छ भने कमरेडले राख्न सक्नुहुन्छ। सर्वश्रेष्ठ खाता।